आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर में नाबालिग लड़कियां और कई महिलाओं की गुमशुदा होने की खबरें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल पिछले महीने 19 नवंबर को सोलापुर शहर के सर्वदे नगर की रहने वाली 16 साल नाबालिग सानिया पटेल अचानक अपने घर से लापता हो गई, जिसकी तलाश अब भी MRDC पुलिस कर रही है। सोलापुर शहर के आदर्श नगर की 21 साल लड़की श्वेता आशीष देशमुख अचानक अपने घर से 19 दिसंबर 2021 की सुबह बाहर चली गई। परिवार के लोग मिसिंग होने की रिपोर्ट सदर बाजार पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिसका भी अब तक कोई पता नहीं लगा है। सौबात की एक बात यह है कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दल ने एक विशेष टीम बनाई है, जिसे दामिनी पदक का नाम दिया गया है। ये रहने के बावजूद पूरे महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा लड़कियों की मिसिंग होने की सूचना मिल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियां लापता इसलिए हो रही हैं कि एक तो प्रेम संबंध की वजह से, तो अक्सर वैश्या का कारोबार बढ़ाने के लिए। ये तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। आज के इस डिजिटल समय में कई विद्यार्थी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के हमेशा मोबाइल चेक करें कि कहीं वो इस मोबाइल का उपयोग गलत जगह तो नहीं कर रहे हैं।